गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस मेरा नाम है केशव और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व अ 3x3 रूबिक्स क्यूब। सो गाइस देखो आज की ये वीडियो है ना, इसके अंदर जो मैंने मेथड यूज़ करा है उसको हम बोलते हैं बिगिनर्स मेथड। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी। तो बेसिक चीज़ें क्या कि जैसे कि ये जो पीसेज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों। जिस पीस में तीन साइड होते हैं जैसे यहाँ पर ग्रीन येलो और ऑरेंज, ये तीन साइड्स हैं, इसका मतलब ये कौन सा पीस हो, ये हो गया कॉर्नर पीस। जिसके अंदर दो दो साइड्स हैं यानी ऑरेंज और ग्रीन, वो हो गया आपका एज। और जिसके अंदर सिर्फ एक ही साइड है जैसे कि ग्रीन, तो इसका मतलब हो गया सेंटर। दोस्तों एक बात हमेशा जान लीजिए कि सेंटर के पीछे जो कलर है यानी ग्रीन के पीछे ब्लू है तो हमेशा ब्लू होगा। आप इसको कितना भी मूव कर लो वो हमेशा वही रहेगा। येल्लो के पीछे आपका वाइट है वो हमेशा वही रहेगा। रेड के पीछे आपका ऑरेंज है वो भी हमेशा वही रहेगा। आप अपने क्यूब में चेक कर सकते हो। अब कलर्स अलग होंगे वो बात अलग है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताऊँगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम जितना सीखेंगे उसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पार्ट टू मैं बना दूंगा जिसके अंदर आपको कुछ एल्गोरिथम्स याद करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस मैंने पूरा क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस मेथड को मैंने चार पॉइंट्स में डिवाइड करा है जो कि CCEL। CCEL मतलब क्रॉस कॉर्नर्स एजेस एंड लास्ट लेयर। तो लास्ट लेयर के बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं CC और ई की। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ CC समझाऊँ, ई की भी अलग वीडियो बने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर कॉर्नर्स पीसेस सेट करने होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एजेस सेट करने होते हैं। तो यहाँ पर वाइट एजेस हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखो मेरे को एक वाइट एज यहाँ पर मिल रही है जिसके साथ हमें कलर्स भी मैच करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊँ तो यहाँ पर वाइट वाइट मैच है और यहाँ पर ब्लू ब्लू मैच है। इसी तरह से आपको सारे कलर्स का यहाँ पर एक क्रॉस बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ इस वाले पीस का, ये जो यहाँ पर आपको साइड में मिलता है आपको कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी मैच है, ठीक है, इसको ऊपर कर देना है। अब मान लीजिए ये मैच ना ही हो, मतलब एक कलर आपको यहाँ पर मिल जाए साइड में वो मैच ना हो, जैसे कि यहाँ पर रेड है साइड में है पर यहाँ पर ये मैच नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको नीचे लेकर आना है, फिर इसको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लू नीचे आ चुका है तो इसको पहले ऊपर कर देना है और फिर इसको वापस आपको मैच करके ऊपर भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई ग्रीन कलर मिला है ऐसे, इसको मैं नीचे करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ वापस, इसको ग्रीन को यहाँ पर ला कर इसको मैच कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे तीन कलर पूरे बन चुके हैं, हमें कॉर्नर से कुछ भी लेना देना नहीं है, अभी हमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं ऑरेंज कलर मैच करता हूँ, तो ऑरेंज कलर को मैं सबसे पहले नीचे लेके आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाइट है, यहाँ पर हमें ऑरेंज लाना होगा और वाइट नीचे, पर ऐसा नहीं है, इसको सबसे पहले साइड में लेकर जाना है, इसको ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैच हो गया, इसको वापस ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेड था वो ग्रीन था वो पीछे जा चुका है, ये रहा, इसको वापस कर देना है, बस इतना सा काम है। अब मैं कुछ और केसेस लेता हूँ, ऐसा ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो वीडियो में बने रहिए। केस लिया है जिसमें क्या है यार, यहाँ पर मैच तो हैं कलर्स, मतलब कलर्स यहाँ पर वाइट का प्लस तो बन गया पर यहाँ पर कलर्स नहीं मैच हुए। तो अब जैसे देख रहे हो आप कि यहाँ पर मेरे दो कलर्स यहाँ पर मैच नहीं हुए हैं, यानी ग्रीन वाला कलर ग्रीन से नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑरेंज वाला, यहाँ पर आपस में मतलब ये स्वाइप अप है। तो अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, जब आपके कलर्स आ जाए ऊपर पर आप पर मैच नहीं हुए तो आप उन्हें नीचे लेकर आओ, देख सकते हो आप। इस तरह से मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैंने दो बार नीचे की साइड लेकर आया तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। अब इसको इसके कलर के साथ मैच करा, इसको वापस ऊपर भेज दिया। अब जो यहाँ पर था वो नीचे आ गया, देखिए मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर ला कर ऊपर भेजा तो ये वाला जो था ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको साइड भेजूंगा और इसे भी मैच करके मैं इसको भी ऊपर भेज दूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरे सारे कलर्स भी मैच हो चुके हैं और क्रॉस भी पूरा बन चुका है। तो गाइस इससे ज़्यादा क्रॉस के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम चलते हैं अपने कॉर्नर्स पीसेज के ऊपर, कट करने हैं वो भी बहुत आसान है। आप देखो यहाँ पर आप मेरे को एक कॉर्नर यहाँ पर मिल रहा है वाइट का, आपको क्या करना है सिर्फ वाइट के एक कॉर्नर ढूंढना है। सबसे पहले एक कॉर्नर मिल गया उसको इंसर्ट करते हैं फिर दूसरा ढूंढेंगे। तो यहाँ पर वाइट का कॉर्नर है जिसके नीचे आपको कलर देखना है, यानी नीचे इसके ग्रीन है सामने इसके वाइट है। अब इसको इंसर्ट करना कैसे है, अगर ये कॉर्नर इस साइड में है यानी आपके लेफ्ट साइड में है तो आपको इसको राइट साइड में टर्न करना है, अगर आपके राइट साइड में होता तो आपको इसको लेफ्ट साइड में टर्न करना होता। यानी अब मैंने इसको इधर टर्न करा, अब मैं जो लेफ्ट साइड वाली लेयर है उसको नीचे लाऊंगा, इसको इसमें इंसर्ट करके ऊपर भेजूंगा। अब मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट करा, ये इसके कलर्स मैच हो गए, आपको ऐसे कैसे इंसर्ट करना है तो मैं इसको वापस नीचे ला कर आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस वाइट के नीचे आपको कौन सा कलर है वो देखना है, वाइट के नीचे मेरा ग्रीन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता तो मैं ग्रीन देखता, मैं तुरंत इसको ग्रीन वाली उसके जहाँ पर ग्रीन का सेंटर है वहाँ पर ले आता, अब इसको उस साइड टर्न करता, इसको नीचे लाकर इसमें इंसर्ट करके ऊपर भेज देता। अब यहाँ पर मेरे को एक और वाइट ढूंढना है और यहाँ पर मेरे को एक वाइट मिल गया जिसके नीचे है आपका रेड कलर, अब मैं इसको रेड के पास लेकर जाऊँगा। मैंने अभी बताया कि अगर राइट साइड में हो तो आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है, तो मैं लेफ्ट साइड टर्न करता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, इसको इसमें इंसर्ट करता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैच हो गया,
ये यहाँ पर ऑलरेडी एक पीस यहाँ पर ही था, इसके नीचे भी रेड है, इसको रेड पर लेकर आऊँगा। अब देखो ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको राइट साइड टर्न करूँगा, इसको नीचे लाऊँगा, इसको इंसर्ट करके इसको ऊपर भेज दूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन कॉर्नर्स पूरे अच्छी तरीके से सेट कर लिए हैं। फोर्थ कॉर्नर बारी, इसके नीचे है ब्लू, आपको इसको कुछ नहीं करना, इससे टर्न करके इसको लगा कर इसको ऊपर भेज देना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने आपको फर्स्ट लेयर बनाना सिखा दिया है, आपको आ भी गया होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताओ ना, और मैं एक इंपॉर्टेंट केसेस वाली वीडियो बना दूंगा।